हेलो दोस्तों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये पहेली सुलझानी है। एक बार विनोद एक ठंडे रूम में बंद हो जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन उस रूम में एक तेल से भरा दिया, एक मोमबत्ती और एक लकड़ी का चूल्हा भी रखा हुआ है और साथ ही विनोद के पास एक माचिस की डिब्बी थी जिसमें सिर्फ एक ही तीली बची हुई थी। अब आपको ये वीडियो यहीं पर पॉज करना है और नीचे कॉमेंट में आंसर देना है और बताना है कि विनोद सबसे पहले क्या जलाएगा। तो आप आ गए। अधिकतर लोगों का जवाब मोमबत्ती होगा क्योंकि जिससे वो और भी चीज़ें जला सकता है, लेकिन वो गलत जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले विनोद माचिस की तीली जलाएगा और उसके बाद और कुछ। चलिए ना, आज आपको बताते हैं ऐसे ज्ञान भरी बातें जो आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए थे, जिससे हम केवल अपना दिमाग ही नहीं बल्कि हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ते रहेंगे। सो देर किस बात की। नंबर एक पे आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आप खुद को कभी बेइज्जत नहीं देखना चाहते हैं तो अपने दिमाग के अंदर इन बातों को हमेशा रखें और वक्त आने पर इनका इस्तेमाल करें। आचार्य चाणक्य को राजनीति और कूटनीति के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई ऐसी अचूक नीतियां बताई हैं जिनमें जीवन का सारांश छुपा हुआ है। इन नीतियों को अपनाने वाला इंसान जीवन में हर कदम सफलता प्राप्त करता है। हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए और किन लोगों से लगाव रखना चाहिए, इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने बताया है। यदि कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है और वो किसी वेश्या पर मोहित होकर अपना सब कुछ भी उसे दे दे, वो वेश्या उसे तब भी छोड़ सकती है। वेश्याओं का काम है दूसरों का पैसा लूटना। वे तब तक उस पुरुष के संपर्क में रहती हैं कि जब तक वो आदमी धनी है, और जैसे ही वो गरीब हो जाता है वेश्या उसे तुरंत छोड़ देती है। इसी प्रकार देश का राजा अगर निर्बल है, उसकी राज्य की प्रजा अपने राज्य पर भरोसा नहीं करती है और उसे सम्मान नहीं देती है। यहाँ तक कि पक्षी भी उसी एरिया में रहते हैं जिस एरिया में उन्हें फल खाने को प्राप्त होते हैं। समाज का यह नियम है कि मेहमान अच्छा भोजन स्वागत सत्कार के बाद तुरंत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद को करनी पड़ती है। अपमान की स्थिति बने इससे पहले संभल जाना चाहिए। किसी स्थान विशेष व्यक्ति वस्तु से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें तुरंत संभल जाना चाहिए। किसी भी स्थान व्यक्ति वस्तु से अधिक लगाव रखने में भी हमें कई बार अपमान सहना पड़ सकता है। नंबर दो, आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को देखकर इन बातों का पता लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति से मिलते समय कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे आप उसके बारे में और ज्यादा जान सकेंगे। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ सटीक बातें बताई हैं। आचार्य कहते हैं कि किसी मनुष्य का आचरण देखकर उसके कुल या परिवार का पता लग जाता है। व्यक्ति की बोली देखकर उसके स्टेट का पता लगाया जा सकता है, और अगर वो आदर भाव वाला व्यक्ति है तो ऐसा पता लगता है वो प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति है। व्यक्ति का शरीर देखकर मालूम होता है कि वो कितना खाता है और किस तरह का खाना खाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं और इन समस्याओं को दूर करने के कई रास्ते भी होते हैं। कुछ लोग सही समय पर सही रास्ता चुन लेते हैं और वो सफलता में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सब कुछ भाग्य के नियति के ऊपर छोड़कर बैठ जाते हैं और पूरे जीवन दुखी रहते हैं। एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाने वाला आचार्य चाणक्य ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं। इन सूत्रों को अपनाकर कोई भी इंसान सफलता का एक नया इतिहास रच सकता है। चाणक्य ने कहा है कि नियति तो अपना खेल रचती है, और इस खेल के प्रभाव में हमें दुख भी प्राप्त होते हैं और सुख भी। दुख के समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नियति केवल कोई संयोग मात्र नहीं है। नियति व्यक्ति को हर समस्या से निकालने के लिए विकल्प अवश्य देती है। फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम नेटवर्थ $2.1 बिलियन। आपको याद होगा जब देश में कुछ लोग रो रहे थे कि नोटबंदी हो गई है। पता है, कई लोगों ने इसी नोटबंदी में इतिहास रचा था, जैसे विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के ऑनर। पेटीएम की ग्रोथ के बारे में इनका कहना है कि मेरी टीम ने 60 दिनों में 600 दिनों के बराबर काम किया और 10,000% की ग्रोथ की। इसका मतलब उन्हें सफलता सिर्फ नोटबंदी की वजह से नहीं मिली, उससे तो उनकी ग्रोथ कई गुना ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देखा और आगे निकल गए। आज भी उनके कॉम्पिटिटर उनसे बहुत पीछे हैं। बुद्धिमान इंसान वही है जो सही विकल्प को पहचान कर उनमें से सही विकल्प चुनता है। सब कुछ नियति के भरोसे छोड़कर बैठने वाले लोग हमेशा कष्ट
और दुख के प्रतिभागी बनकर रह जाते हैं। लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते और ना ही कोई इतिहास रच पाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि सही समय पर सही रास्तों का चुनाव करना आना चाहिए और उन रास्तों पर बिना समय गवाए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर द डे। यू हैव अ ग्रेट डे।